हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना, अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी, देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के घिटोनी गांव में स्थानीय विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया। स्थानीय लोग यहां पर मौजूद थे सैकड़ों की तादाद में, वहीं बुजुर्ग और नौजवान लोग भी यहां पर मौजूद थे। गांव के लोगों को अभी तक सोनिया बिहार की पाइपलाइन का पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही गांव के लोगों की सीवर और सड़क को लेकर भी समस्या है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे कि गाँव में हर एक चीज़ जो है वो मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो पीने के पानी के लेकर सोनिया बिहार की पाइपलाइन हो या सड़कें और सीवर की मरम्मत हो, ये सभी चीज़ों का काम टाइम पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा विकास काम नहीं हुआ। करीब 4.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक विधायक ने अपने क्षेत्र में सकल तक नहीं दिखाई, ऐसा आरोप जो है स्थानीय निगम पार्षद वेदपाल ने भी लगाया। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से उनके विधायक इस गाँव से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आप देखते थे कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि उनकी जो जो समस्याएं थी उस समस्याओं का निदान जो है वो विधायक नहीं दिला पाए, और इसी वजह से देख सकते हैं किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो किया गया, जिसमें स्थानीय लोग उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको घिटोनी गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो किया गया है विधायक के खिलाफ। आर सो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे को डेली हंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। चौपालों का निर्माण शुरू करो। आवाज कम आ रही है आपकी, मेरी गला नहीं है। चौपालों का निर्माण शुरू करो। पानी की व्यवस्था ठीक करो। एमएलए इस्तीफा दो। एमएलए झूठे वादे बंद करो। एमएलए झूठे वादे बंद करो। एमएलए झूठे धरना किन मांगों को लेकर? क्षेत्र के एमएलए चाहे लॉकडाउन हो, पिछले 7 वर्षों जो जो आम आदमी सरकार ने क्षेत्र के एमएलए ने यहाँ पे वादे किए घिटोरनी गांव के अंदर, एक भी पूरा नहीं किया। आप गांव के अंदर जाकर सारी चौपालों का हाल देखिए, किसी वक्त गिर सकती हैं। 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के समय सोनिया बिहार की पाइपलाइन जहाँ तक 12 साल यहाँ पर पहुँची 2012 में, 24 किलोमीटर दूर से तो घिटोरनी आ गई पाइपलाइन, लेकिन गाँव का हिस्सा जो बचा हुआ बख्शी फार्म रोड से जो गाँव में आते हैं वो हिस्सा गाँव के अंदर के हिस्से वो क्षेत्र के एमएलए से 7 साल में नहीं लगाए गए हैं। सीवर लाइन आ गई, सीवर का बड़ा प्लान प्रोजेक्ट होता है घिटोरनी के अंदर 2012 के अंदर, लेकिन जो गलियां आज रह गई छूट गई वो 7 वर्षों से एमएलए के पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं। हर एक एमएलए के टेन्योर में 20-20, 30-30, 40-40 एक एक गाँव में बोरवेल आते हैं। 7 साल से लोग तरस रहे हैं, एमएलए के पीछे घूम रहे हैं, एमएलए को मिलने जाते हैं एमएलए मिलते नहीं हैं। लॉकडाउन के अंदर एक दिन घर से नहीं निकले, मैं समझ सकता हूं कि जान का खतरा होता है। लॉकडाउन के बाद एक मानवता होती है, आकर मिल सकते हैं जिनके घर में तकलीफें हुई। कोई कोविड से केयर सेंटर नहीं बनवाया, कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी। सरकार की जो स्कीम्स थी वो घिटोरनी के अंदर कोई स्कीम नहीं आई, आयनगर वार्ड के अंदर कोई स्कीम नहीं आई। आज क्षेत्र के एमएलए को, सोए हुए एमएलए को, जो आज उनके पास घर पे जाते मिलने के लिए एमएलए को, जो एमएलए के काम है छोटे छोटे काम जो एमएलए दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, आज अगर एमएलए के पास जाते तो अपने नुमाइंदों को घर भेज देते हैं, नुमाइंदों को घर भेजते हैं, बोलते हैं मेरा दरबार लगाओ, मेरा स्वागत रखो। पूरे क्षेत्र के पूरे वार्ड के लोगों को परेशान करके रखा हुआ जो उनके दायरे उनकी जुरिस्डिक्शन है। आज हम लोग घिटोरनी गांव में बैठे अपनी मांग को लेकर कि जो आपने वादे किए थे, जो आपके जुरिस्डिक्शन है, जो आपके अंदर आते हैं, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा करने का रास्ता हम लोग बताएंगे कैसा पूरा करेंगे। सिर्फ चुनाव के समय ये लोग बाहर निकलते हैं, राजनीति को व्यवसाय बना लिया है, लोग बिजनेस धंधा करने के लिए राजनीति मारे हैं, और जिसलिए राजनीति बनी थी सेवा करने के लिए वो आज नहीं है कहीं भी। तो आज जो ये लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, और आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी तो क्षेत्र के विधायक हैं ऐसे नुमाइंदे को लेकर आ रहे हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो लोगों को सेवा चाहिए, काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए,
पहले ही पिछले लंबे समय से घटोरनी गांव वो आयनगर गांव वो इनके साथ पक्षपात होता रहा है। हक नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हुआ। घटोरनी गांव और आयनगर गांव से पहले 20-20 साल पहले और गांव पक्के हो गए, सड़कें पक्की हो गई। आज भी घटोरनी गांव और आयनगर गांव के अंदर कच्ची सड़कें हैं 20 साल के बाद। और देश दिल्ली देश की राजधानी का हिस्सा है गांव, और आज लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम आज बैठे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। आयनगर घोषित हो चुका था, लेकिन उसका भी घटोरनी और आयनगर दोनों शहरीकृत कर दिए। सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, आम आदमी सरकार और बीजेपी सत्ता में है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूली करने के लिए। गांव के अंदर लोग छोटे छोटे किराए से सर आप आयनगर वार्ड में पहुंचे हैं और वेदपाल जी कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, लेकिन देखा जाए तो वेदपाल जी धरातल पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी बात आपने खुद क्या कहना चाहेंगे स्वीकार कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक धरातल की बात है, आप पत्रकार हैं, आपको सारी जमीनी हकीकत पता है कि कौन आदमी काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आज लोगों में कितना आक्रोश है एमएलए के खिलाफ, कितना आक्रोश है एमपी के खिलाफ। ये जनता है। आज कोविड होने के बावजूद भी वेदपाल जी को सुनने के लिए, वेदपाल जी की बात को मानने के लिए, वेदपाल जी जो उनके लिए करते हैं उन बातों के लिए आज कितनी तादाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सीधा सीधा सबूत है इस बात का कि वेदपाल जी इनके दिल में रहते हैं, इनके काम करते हैं, इनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, इसलिए ये लोग आज वेदपाल जी को यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। तेजपाल गाँव घटोरनी से, जो आज हमारे निगम पार्षद वेदपाल जी ने ये धरना रखा है, ये गांव की समस्याओं के लिए रखा है, और हमारा पूरा गांव इनके साथ है। और जो हमारे विधायक साहब हैं, पिछले 5 साल में गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो हमारा तो निवेदन है कि अगर वो आपके थ्रू ही हम कहना चाहेंगे कि विधायक जी जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का हल करें। और पानी है, सीवर है, इस तरह की बहुत समस्याएं हैं हमारे। तो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांग है? मुद्दा ये है कि गांव हमारा बहुत पुराना गांव है और अभी तक इसमें अच्छी तरह कोई विकास कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। ये गांव वो गांव हुआ करता था जहाँ घी दूध की नदियाँ बहा करती थी। आज हालत ये है कि हमें पानी के लिए बैठना पड़ रहा, वो भी प्रदर्शन कर। मामूली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, बिल्कुल वंचित हो गए हैं जी, कुछ नहीं मिला। सड़कें जाके देख लो गाँव की, चारों फिरनी टूटी पड़ी है। गांव में चौपाले ढंग से नहीं है, डिस्पेंसरी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शिक्षा के लिए कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। आपके विधायक आपके द्वारा आम आदमी पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया, क्या कहाँ है वो दादो कहाँ पर है? वो मेन रोड पे है जिसका बोर्ड लगा दिया है उन्होंने, लेकिन वहाँ तो फोटो फोटो है, एमएलए साहब तो है ही नहीं।